हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स्थ क्लास ऑन करंट अफेयर्स। नाउ इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम पूरा टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर का उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि न्यूज़ में जम्मू एंड कश्मीर को जनरली हम एक मानते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरिटरी है बहुत हिस्सों में बटा हुआ टेरिटरी है, हर एक हिस्से का एक अलग हिस्ट्री है, उसको समझेंगे। सेकेंडली हम इसको समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव में, कि जो भी कुछ जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली हो रहा है उसके पीछे अफगानिस्तान का क्या रोल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रोल है एंड पाकिस्तान का क्या रोल है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरी को अंडरस्टैंड करेंगे हम। जनरली ये सारे रीजन को हम पूरे को जम्मू एंड कश्मीर मान के चलते हैं एंड करंट अफेयर के परस्पेक्टिव में हम पूरे को इसी तरह से कंसिडरेशन में लेते हैं, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजन्स में जम्मू एंड कश्मीर बटा हुआ है। ये जो टॉप वाला रीजन है ये गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, यहाँ पे ये जो है ये सक्षम वैली है, ये जो रीजन है ये अक्साई चिन का रीजन है, बाकी जो बचा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है एंड ये वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है, POK। नो अलग, हर हिस्से का एक अलग हिस्ट्री है। ये जो हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का, ये जो रीजन है ये हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, कभी भी ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रहा। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली एंड जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन भी आज़ाद हो गया, बट ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन था, बिकॉज ऑफ अ ट्रेचरी ऑफ एन आर्मी ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश, ये रीजन पाकिस्तान के साथ चला गया November 1947 में। तो ये दगा दिया गया, एक ट्रेचरी हुआ, एक चीटिंग हुआ, चीटिंग की वजह से जो मेजर जनरल थे उन्होंने, लेफ्टिनेंट जनरल थे जो आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने इस रीजन को सीसीड करा दिया। तो सीसीड होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिश ने। ये जो रीजन है ये अक्साई चिन का रीजन है, दिस रीजन बेसिकली बिलोंग्स टू चाइना। 1962 की वॉर में चाइना ने इस रीजन को एक्वायर कर लिया। 1947 का जब वॉर लगा पाकिस्तान के साथ, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन भी पाकिस्तान के पास चला गया। तो अभी हम जिस हिस्से का बात करते हैं, ये बचा हुआ हिस्सा है हमारे पास, ना तो हमारे पास अक्साई चिन का रीजन है, ना हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान है, ना ही हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो अभी जो आर्टिकल 370 है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस अप्लाइज इम्प्लिसिटली टू दिस इंटायर रीजन। बट अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में देखें, हमारे पास जो टेरिटरी है तो यही वो हिस्सा है जिसके ऊपर 370 अप्लाई होता था, एंड अभी 370 को रिमूव करने के बाद दिस इंटायर रीजन हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मली। तो अभी 370 का रेवोकेशन से इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रोल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का क्या रोल है, यूएसए का क्या रोल है इस 370 को लेके। 370 एकदम से किस तरह से आ गया, एकदम से इसको रिवोक कैसे कर दिया गया, रिवोकेशन के पीछे क्या कारण है। सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड अटैक्ड अफगानिस्तान इन ईयर 2001, 9/11 का जब अटैक हुआ 2001 में, उसके बाद में यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। तो लगभग 19 साल हो गए हैं अफगानिस्तान में जो यूएसए की जितनी भी आर्मी है वहां पे अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी फाइट कर रही है वहां पे टेररिज्म को, दैट इज तालिबान को। बट 19 साल में तालिबान को वो लोग डिफीट नहीं कर पाए हैं यूएसए। एंड अभी रिसेंटली यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं, सेकेंड टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप फाइट करेंगे एंड डोनाल्ड ट्रंप यूएसए को ये दिखाना चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म में उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट कर लिया अफगानिस्तान के इशू को। जितनी भी आर्मी है अफगानिस्तान में वो अपनी आर्मी को वहां से निकालना चाहते हैं, बट दैट विल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ दे विल बी एंटरिंग इनटू सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद तालिबान, एंड एग्रीमेंट विद तालिबान इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली एंड ओनली इफ पाकिस्तान विल बी गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस। Without the support of Pakistan, United States of America cannot indulge in any kind of talks with the Taliban. So in the days to come, in the months to come, in the years to come, Pakistan is bound to play a very important role for United States of America in Afghanistan.
So the kind of equation India has with United States of America, the equation that has improved in the few past years, that equation might get deteriorated. And if that equation will deteriorate, there will be a lot of pressure on India from China. There would have been a lot of pressure from China and from United States of America. And fearing of this pressure, of the futuristic situation that would have unfolded, Narendra Modi government has done away with this article of 370. So, Afghanistan ka ye wala role hai. Bahut important role play kiya hai Afghanistan ki jo ladai ho rahi hai. International relations decide karte hain kya hoga. Hindustan ne bhi is region ko pura apna bana liya hai by revoking article 370. Now do subscribe to this channel. In case you have any sort of doubt, you can contact my team at 84594-0000. You can also join our video class packages. And plus, you can also practice answer writing on our software that is Magica, that is available on brainyis.com. So do visit this website and do read about this entire thing that I have discussed in the class in the current affairs section of BrainyIAS. I will be uploading the content with respect to this article 370 with respect to the regions of Pakistan. So this was all for the day. Bye bye. Take care. Have a nice day.